अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने स्कूल खोलने के हवाले से SOPs जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं वो कौन सी SOPs हैं जिन पर स्कूलों ने हर सूरत में अमल दरामद करना है। तो दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि स्कूल 15 सितम्बर से जो है ओपन होने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं पॉलिसी की तरफ। दोस्तों पहला जो पॉइंट उन्होंने रखा है वो है स्कूलों में साबुन और हैंड सैनिटाइज़र की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। तो दोस्तों दूसरी बात आपको ये बताते चलें कि इंडोर गेम्स, झूले, खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। तो दोस्तों बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। और दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि मॉर्निंग असम्बली जो सुबह के वक्त मुनक्कद करवाई जाती थी उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तो दोस्तों उनका मज़ीद जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कहा गया है कि सांस की तकलीफ में मुबतला तालिब इल्मों और स्टाफ को घर तक महदूद रखें, उनको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों तालीमी इदारों को रोज़ाना की बुनियाद पर डिसइंफेक्ट किया जाएगा, ये भी उनका कहना था। तो दोस्तों मज़ीद उनका कहना था कि क्लास रूम्स के अंदर 6 फुट का समाजी फासला लाजमी, तालिब इल्मों का इलाके पर पाबंदी, तालिब इल्मों के मेल मिलाप पर भी पाबंदी, उनके साथ साथ बैठने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तो दोस्तों दूसरी बात आपको ये बताते चलें, तालीमी इदारों में तालिब इल्म अपना दोपहर का खाना घर से लाएंगे, वहाँ से कोई चीज़ लेकर नहीं खाएंगे। तो दोस्तों ये थी SOPs जो नई अभी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने जारी की है स्कूल ओपन करने के हवाले से। इस सिलसिले में उन्होंने अपना मरासला भी जारी कर दिया है कि इन SOPs में पर हर सूरत में अमल दरामद करना होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो तक जाते हैं, इजाज़त, अल्लाह निगहबान।